हेलो गाइस, तो आज बहुत दिनों बाद हम फिर व्लॉग बनाने वाले हैं एंड आज हम कहीं फिर घूमने चलते हैं, कहीं एक्सप्लोर करेंगे आसपास को। एंड ये व्लॉग बड़े दिनों बाद आ रहा है। सो, आज एक बहुत ही सनी डे है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत दिनों बाद सन निकला है वरना मौसम तो ऐसा ही था। आप देख सकते हैं, इट्स सो सनी टुडे, मतलब बहुत तेज़ धूप है। तो चलते हैं फिर, अभी बस का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं आगे एंड एंजॉय। सो वी हैव रीच्ड नियर व्हाइट रॉक, सो वी आर गोइंग टू व्हाइट रॉक टुडे एंड we have to go 18 minutes walking. So यहाँ से हमें 18 मिनट चलकर जाना है, तो चलते चलते हम पहुँच ही जाएंगे। काफ़ी मतलब बिल्कुल पास ही है, मतलब मैं दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो अभी I'll show you. Okay, so this is all. So मैं थोड़ा क्लोज करके भी दिखाता हूँ, this is all water. तो थोड़ा सा हिलेगा कैमरा बिकॉज़ बस आप देख लो क्योंकि जूम है तो ज़्यादा हिलता है। एंड आज हम इसका टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब व्लॉगिंग किट का हमारी। एंड दिस इज इट्स माइक, इसमें माइक मैंने साथ अटैच कर दिया, मैं ऑक्स ले आया था एंड दिस इज इट। धूप तेज थी तो गॉगल्स आ गए। अब हम चलते हैं आगे एंड इन घरों से जो व्यू आता है ना, बाय गॉड, आई शो यू अगर दिखता है। एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट आई है, थोड़ा सा, ओह माय गॉड, सी दिस, दिस इज ऑल ओशन, ओशन का पार्ट है, सारा रिवर का पार्ट है। तो ओशन और रिवर में मेरे को पता फ़र्क होता है, तो ये ओशन जैसी बड़ी रिवर है, ये रिवर है एक्चुअली। सो ये मतलब आगे जाके ओशन से मिलती है, बिल्कुल ओशन के पास का है, तो ये काफ़ी एरिया बड़ा है इसका। सो आई शो यू, सी दिस, दिस इज रिवर इज up to there, like the mountains behind that. So यहाँ हम बोटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आपको करनी हो तो, मतलब बोटिंग यहाँ तो पता नहीं, बट वैसे जो जैसे कयाक्स वगैरह होती हैं आप चला सकते हो if you have your own. And see this, I'll show you. I'm shooting the view. Everything. So this is the beach. So we'll go there. अभी चलते हैं वहाँ पर, पास ही हैं बिल्कुल हम। So let's go. Oh guys, this is where we want to go. That is the point where we will click some photos and just shoot some stuff. And we can go that way too. उधर भी जा सकते हैं, उधर भी हमारे पास। तो देखते हैं टाइम के हिसाब से जिधर जिधर हो पाएंगे उधर उधर जाएंगे। And this is a beautiful view. तो मैं थोड़ी सेल्फी स्टिक बड़ी कर लेता हूँ, उससे और अच्छा व्यू आएगा। ओके गाइस, सो वी आर हियर, दिस इज व्हाइट रॉक। व्हाइट रॉक इसे क्यों कहा जाता है? व्हाइट रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सारी व्हाइट कलर की रॉक पड़ी है। यहाँ पर नहीं है, वो बीच के उस तरफ पड़ी है। अभी दिखाता हूँ अगर इसमें जूम होकर दिखती है, जस्ट अ मिनट, जूम नहीं होता सेल्फी कैमरा में। सो वो आपको थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट कुछ दिख रहा होगा, वो बड़ी सारी एक वाइट कलर की रॉक है, तो इस वजह से इस एरिया को वाइट रॉक कहा जाता है। ये सारा एरिया को वाइट रॉक कहते हैं एंड इस सीजन से ये काफ़ी पॉपुलर भी है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है। बाकी यहाँ के लोगों के लिए ये वाला स्पॉट सन बाथ लेने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस साइड सारा बीच है। ये तो सिर्फ एक फ़ोटो पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, ये सिर्फ एक फ़ोटो खींचने के लिए स्पॉट है, मतलब थोड़ा सा डेक टाइप एरिया बनाया हुआ है एंड वहाँ से आते हैं हम। बाकी लोग यहाँ फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, दे आर डूइंग सम फिशिंग, कैचिंग सम क्रैब्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ बर्ड्स ओवर हियर लाइक दैट, इफ़ वी कैन सी दैट, या यू कैन। सो
बहुत बर्ड्स हैं यहाँ पर बस, और तो कुछ खास नहीं है, तो फोटो खिंचवा के फोटो पाने वाला है। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं फिशिंग वगैरह करने भी, एंड काफ़ी अच्छी है अगर धूप धाप सेकनी हो तो, एंड फोटोज़ खिंचानी हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है। एंड हम देखते हैं थोड़ा सा उधर को चलते हैं, वाइट रॉक भी आपको दिखाता हूँ, बाकी अच्छी लोकेशन है, आई विल शो यू। अब हम पहुँच गए हैं वाइट रॉक के पास, बहुत तेज़ धूप थी तो मैंने छतरी निकाल दी, छतरी धूप बहुत तेज़ है, काले हो जाएंगे नहीं तो, इट्स बेटर कि छतरी से लगा के थोड़ा सा बच लिया जाए। एंड जिस वाइट रॉक के बारे में मैं बात कर रहा था, आई विल शो यू दैट, बिल्कुल उसके पास ही है। ओह छतरी आ गई है तो बीच में, जस्ट अ मिनट। ओके सो दिस इज द वाइट रॉक, वाइट रॉक है, दिस इज द वाइट रॉक, यू कैन क्लाइम ऑल द वे अप इफ यू वॉन्ट टू, अगर चढ़ना चाहते हो तो चढ़ लो। ये एक्चुअली वाइट रॉक नहीं है, यहाँ से सच्चाई पता चल रही है कि दिस इज जस्ट पेंटेड, शायद सॉर्ट ऑफ पेंटेड, क्योंकि वाइट रॉक, हाँ ये पेंट ही करा हुआ है पत्थर को, तो इसलिए वाइट रॉक कहते हैं इसको। मेरे साथ जो आई थी पता नहीं कहाँ चली गई, खो गई लगता है। ओह सॉरी, सो बस यही है वाइट रॉक, एंड बाकी इस पर कुछ चीज़ें हैं आई विल शो यू, लिखी हुई आशिकों द्वारा। एंड बाकी यहाँ से हम बिल्कुल बीच के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल बीच साथ ही है, मतलब ये सारा बीच का ही है, हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। छतरी से कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आपको डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, सो यू विल गेट सेव्ड फ्रॉम सनबर्न। यहाँ सारा बहुत ज़्यादा गीला गीला है बहुत, क्योंकि गीला क्योंकि पानी के बिल्कुल पास है, सो दिस एरिया इज ऑल वेट। आगे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ लोगों ने कैंपिंग वगैरह कर रखी है, छतरियाँ वतरियाँ लगा के पूरी पिकनिक चल रही है, उस एरिया में ज़्यादा भीड़ है, मे बी वो एरिया क्लीन हो या जो भी है, बट इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, वो बहुत दूर है, हमें वापस भी जाना है। बाकी इवन इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो माइक का टेस्ट भी हो जाएगा आज घर जाएंगे तो। घर जाए कैसे होगा, ऐसे होगा कि जब हम वीडियोस देखेंगे तब टेस्ट होगा। सो दिस इज वाइट रॉक, बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह वहाँ थी जहाँ से हम आए हैं, वो भी हम देख लेते हैं, कुछ खाने पीने को अगर मिलता है तो। दिस इज वाइट रॉक, अब अच्छे से दिख रही होगी आपको, सो वी आर जस्ट मूविंग अराउंड बीच के बिल्कुल पास पास, यहाँ पर वॉक करने की जगह है काफ़ी सारी, मतलब सारी जगह वॉक करने की हुई है वैसे, बट पाथ बना हुआ, थोड़ी सी आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कुछ भी कर सकते हो, जो आपका मन में आए वो करो, इट्स ऑल योर चॉइस। बाकी अच्छा था यहाँ आना, एक फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए वर्थ इट जगह है, कुछ खास तो एक्टिविटी नहीं है फ़िलहाल कुछ खास करने को, स्विमिंग वगैरह कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट टाइम होना चाहिए, सब होता है। बाकी फूड ट्रक है यहाँ पर एक तो, जो पॉपकॉर्न दे रहा है एंड जूस है उसके पास, एंड इट हैज़ कैंडी फ्लॉस, बुढ़िया का बाल जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, छोटी सी एक दुकान है जिसे हम रेडी कहते हैं, रेडी फूड कार्ट है, फूड कार्ट। सो
आज के वॉक को हम यहीं ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा सा रखेंगे। एंड जिस स्पीड से हम नीचे आए थे सारी उतराई थी, अब सारी चढ़ाई है, सारा चढ़कर जाना पड़ेगा। आई शो यू, दिस इज द ऑल द वे अप, हमें सारा ऊपर चढ़कर जाना, छतरी बीच में आ गई, जान निकल जाएगी पूरी। ओह माय गॉड।